ये टेंडर मैंने हम लोगों ने अभी तक भर दिया है, और भरने के बाद मुझे लग रहा है कि नहीं मेरा रेट गलत हो गया, या कोई डॉक्यूमेंट्स था वो डॉक्यूमेंट्स मेरा गलत हो गया, उसमें डॉक्यूमेंट्स बदलना चाहिए वो डॉक्यूमेंट, या कोई नया डॉक्यूमेंट्स ऐड करने का है और उसके बाद वो टेंडर को फिर से भरने का, पर मैंने तो टेंडर सबमिट कर दिया, हमने टेंडर को पूरा टेंडर भर के फ्रीज कर दिया, तो क्या मैं इसको फिर से भर सकता हूँ? यस आप भर सकते हो। कब तक? जब तक इस टेंडर का लास्ट डेट है। बिड इन डेट कब इसका? 15 अप्रैल। तो मैं 15 अप्रैल को 5 बजे तक कभी भी इस टेंडर को दोबारा भी भर सकता हूँ, रेट बदल सकता हूँ, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स बदल सकता हूँ, सब बदल सकता हूँ। कैसे करेंगे वो? तो वो आपको टेंडर अभी माई टेंडर में नहीं दिखेगा। देखो अब ये टेंडर मेरा आपके माई टेंडर से निकल गया, नो टेंडर है ना, माई टेंडर। तो ये टेंडर कहाँ मिलेगा आपको? माई एक्टिव बिड्स। कहाँ मिलेगा आपको? माई एक्टिव बिड्स, यहाँ दिख रहा है। ये टेंडर में आपके दो ऑप्शन, एक तो टेंडर को आप फिर से रीसबमिट कर सकते हो, या आपने गलती से, आपको लग रहा है कि टेंडर मैंने गलती से भर दिया, ये टेंडर को मुझे नहीं भरना चाहिए, तो मैं इस टेंडर को विड्रॉल भी कर सकता हूँ, मतलब ये टेंडर में बाहर होना चाहिए। पर याद रखो, यदि आपने एक बार विड्रॉल कर लिया तो यही टेंडर को दोबारा फिर से और सबमिट नहीं कर पाओ, वो विड्रॉल करने से पहले सोच ले। रीसबमिट आप कर सकते हो, तो मैं टेंडर को रीसबमिट कर सकता हूँ। कैसे करूंगा? यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे मिलता है अपने को रीसबमिट, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को रीसबमिट। मुझे रेट में बदलना है, हमने थोड़ा प्लस में भरा था, माइनस में भरना है, रीसबमिट या एस्टिमेट रेट में भरना है मुझे, इसको रीसबमिट। कौन सा, टेक्निकल या फाइनल? टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स ओके, फाइनेंस में मुझे बदलना है, यदि टेक्निकल बदलना है तो भी बदल सकते, फाइनेंस बदल। हम फाइनेंस को चेंज करेंगे, इसको बोलते हैं रीसबमिट या विड्रॉल। विड्रॉल का इसके बाद दिखाता हूँ, टेंडर आप विड्रॉल कैसे कर सकते, पर याद रखो एक बार विड्रॉल किया तो दोबारा वो टेंडर आप नहीं भर सकते, वही वाला, मतलब ये आईडी वाला टेंडर। और कब तक हम लोग इसको कर सकते हैं? इसके लास्ट डेट तक रीसबमिट या विड्रॉल कर सकते हैं। रन, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले बीओक्यू ओपन करना पड़ेगा ना, यही टेंडर का, दूसरा टेंडर का बीओक्यू अपलोड नहीं होगा, इसी टेंडर का वही वाला बीओक्यू अपलोड होगा। दूसरा टेंडर का बीओक्यू अपलोड करने के लिए जाएंगे तो वो अपलोड नहीं होगा, आरडी था डिडिपरली, इसमें डॉक्यूमेंट्स में रखा था ये वाला बीओक्यू। अभी हमको एस्टिमेट रेट में टेंडर को भरना है, हमने पहले प्लस में भर दिया, पर मुझे लग रहा है अभी एस्टिमेट रेट में भरना है, या चेंजेस, जो भी आपको चेंजेस करना है, ऑप्शंस एनेबल दिस कंटेंट, इसको मुझे एस्टिमेट में भरना है, तो इसको प्लस या माइनस कुछ भी रख दो और इसको डाल दो 0, ये एस्टिमेट रेट में हो गया। ओके, इसको करेंगे सिर्फ सेव, सेव एज नहीं करना है, ओनली सेव, जैसा नाम है वैसा ही सेम टू सेव। बीओक्यू भरने के लिए मैंने क्या बोला था? पहले आपको एक्सट्रैक्ट करना है और फिर टेंडर को बीओक्यू एक्सेल का फाइल खोलना है, यहाँ पे नो कर दो, यहाँ पे सेव मत करो, पहले सेव करने का और फिर बाद में यहाँ पे नो कर, तो आपका बीओक्यू फाइल सेव हो गया। अब ये फाइल ब्राउज एंड अपलोड, डेस्कटॉप आरडीडी परली, इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर बीओक्यू, बीओक्यू में चेंजेस कर दिया हमने रेट, और फिर से ये पहला डॉक्यूमेंट्स हो गया, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा टाइम लग गया, मैंने पहले भी बताया था पहला डॉक्यूमेंट्स को अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा वेट कीजिए, डिपेंड आपके सर्वर, आपका इंटरनेट और आपके सिस्टम के स्पीड के ऊपर, तो खास तौर पे 3 बजे से लेके 6 बजे तक थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है, अभी थोड़ा कम लगे, 1 मिनट से अंदर हो जाएगा, तभी 2-2 मिनट 3-3 मिनट भी लगता है, कुछ मत करो, सिर्फ वेट करो। देखो हो गया अपलोड, साइन इन अपलोड, साइनिंग हो रहा है और फिर ही अपलोड, ये रेट मेरा बदल गया, पहले हम लोगों ने अबव में भरा था, एस्टिमेट रेट का, फिर से मुझे एसएमएस आ जाएगा कि आपका टेंडर सक्सेसफुली रीसबमिट, सबमिट और फिर मेरा रेट बदल के सबमिट, आप इसको बदल सकते हो, है ना। फिर मेरा आ गया सबमिटेड डेट,
756, मतलब पहला 756 क्यों आया, अभी कहना चाहिए ना, बैक टू माय एक्टिविटीज देखो, पहला शायद 756 पता, माय एक्टिविटी में पता चल गया, शायद ये पहली का दिखा रहा है। हाँ 756 को सबमिट किया, 59 हो रहा है, ठीक है। एनीवे जो अभी का टाइमिंग है वो आ जाता है, और हम लोग कब तक कर सकते हैं, फिर से करना है तो फिर से कर सकते हैं, कब तक, 15 अप्रैल तक हम कभी भी इसको रिसबमिट कर सकते। क्लियर है रिसबमिट, किसी को कोई डाउट्स है तो बताओ। अभी देखते हैं विड्रॉ। हेलो, हाँ बोलिए। ये अपन याला कैंसल पण करू शकतो ना? हो हो, विड्रॉल पण करू शकतो। विड्रॉल करू शकतो तर मग तिथे आपण एचडी ईएमडी काही भरली असली? नाही नाही, त्या ईएमडी परत भेटणार तुम्हाला, टेंडर फीस परत नाही भेटणार। अच्छा, आणि टेंडर फी म्हणजे टेंडर फीस ती नंतर म्हणजे ईएमडी बाकीच्या लोकांबरोबर भेटणार ज्यांनी समजा भरले? अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। तो हम इसको विड्रॉल भी कर सकते हैं, रिसबमिट का प्रोसेस बताया, विड्रॉल, विड्रॉल, इसको करेंगे विड्रॉल। आपको एक लेटर लिख के देना पड़ेगा कि आप क्यों विड्रॉल करना चाहते हैं, वो लेटर या रीजन या किस वजह से, फाइनेंस का मेरा प्रॉब्लम। अब टेंडर लेना तो नहीं है, टेंडर लेने के बाद मुझे इसमें इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, ये ईएसडी देना पड़ेगा, फिर पहला तुरंत मुझे थोड़े डिपार्टमेंट पैसा दे देगा, है ना, मुझे पहला एक महीना तक तो चलाना पड़ेगा, बाद में डिपार्टमेंट पैसा देगा। देख लेटर बनाओ, मेरा ये फाइनेंस का प्रॉब्लम है इसलिए मैं नहीं भर सकता टेंडर, तो ये लेटर इधर अटैच कर। नेक्स्ट स्टॉप, लेटर अटैच कर देंगे हम लोग, पीडीएफ फाइल, हमने एक लेटर बनाया है मान लीजिए वन बोल के, और इसको सेम जो भी अपलोड करोगे इसका डिजिटली साइन करना पड़ता है यहाँ से। हो गया, अभी मैंने इसको सबमिट कर दिया तो ये टेंडर मेरा कैंसिल हो जाएगा, और फिर मैं इस टेंडर को दोबारा नहीं कर सकता, तो मैं इसको सबमिट नहीं कर रहा हूँ, यहीं से मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। सबमिट कर दिया तो टेंडर यहां से निकल जाएगा और माय विड्रॉल बिड्स में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको समझ में आया, माय एक्टिव बिड्स में दो दो ऑप्शंस रहते हैं, एक रीसबमिट और एक विड्रॉल, दोनों का मतलब आपको क्लियर हो गया है ना, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर थोड़ा ईएमडी का प्रोसेस बताओ, कितने दिन में वो रिफंड कौन से अकाउंट में होगा? जिस अकाउंट से आपने पैसा भरा है उसी अकाउंट में रिफंड मिलेगा। तो भी सर जनरली कितने दिन में होता है रिफंड? ये तो हम नहीं बोल सकते, डिपार्टमेंट के ऊपर है, डिपार्टमेंट जब वो टेंडर का एओसी बना देगा, अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, किसी को दे देगा, तब वो पैसा रिफंड आ जाएगा। ओके,